students, welcome to class 11th commerce, and today we are doing the new chapter of microeconomics, that is theory of supply. Theory of supply ke bare mein aaj hum padhenge. In the previous videos we have completed the concept of demand or the elasticity of demand. So what is supply? The chapter name is theory of supply. सो फर्स्ट वी शुड डिस्कस अबाउट वॉट इज सप्लाई, कि सप्लाई आखिर होती क्या है. जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि सप्लाई क्या होती है, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो क्या है. तो वॉट इज सप्लाई, इसके बारे में हम देखते हैं. देखिए सप्लाई क्या है, सप्लाई इज अमाउंट है. सप्लाई इज अ amount of a product. supply एक product का एक ऐसा amount है that a producer is ready to sell. किसी भी प्रोडक्ट का एक ऐसा अमाउंट जिसे एक प्रोड्यूसर सेल करने के लिए रेडी है, एट अ गिवन प्राइस, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक गिवन प्राइस पर, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी ऐसा अमाउंट किसी भी प्रोडक्ट का, जो अमाउंट उसका प्रोड्यूसर सेल करने के लिए रेडी है, दैट इज कॉल्ड द सप्लाई. यानी किसी भी एक टाइम पर किसी भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं टूथपेस्ट की, हम बात करते हैं, तो टूथपेस्ट की जितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है उसे हम कहेंगे कि सूल के मान लीजिए 50,000 जो पीसेज हैं टूथपेस्ट के वो आपके पास रेडी हैं, तो आपकी सप्लाई कितनी होगी, 50,000. यानी कि इस मंथ में आप 50,000 की सप्लाई करेंगे. तो ये हो गया हमारा व्हाट इज सप्लाई का आपका कंसेप्ट. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं. देखिए ये तो हो गई हमारी सप्लाई की, किसी एक गिवन प्रोडक्ट के, किसी भी एक प्रोडक्ट के कितनी सप्लाई है, कितनी क्वांटिटी है जो कि रेडी टू सेल है, जिसको उसका प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है. सेल करना चाहने से मतलब क्या है, कि सेल करना चाहे वो भी किसी गिवन प्राइस पर, कि उसकी प्राइस पर, ये नहीं कि उसको प्राइस कम दे देंगे तो वो क्यों सेल करेगा, कि एक गिवन प्राइस पर और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितना प्राइस वो ले रहा है उस पर वो रेडी है सेल करने के लिए, और जिस टाइम पर आप उस सप्लाई मांग रहे हैं उसको देने के लिए भी वो उस समय पर रेडी है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई की. मार्केट सप्लाई क्या होती है, जैसे कि सप्लाई होती है एक अमाउंट किसी एक प्रोडक्ट का, ऐसे मार्केट सप्लाई क्या होती है, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट. टोटल अमाउंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पूरे मार्केट में, इन द मार्केट विच आर रेडी टू सेल, विच आर रेडी टू सेल. तो वो टोटल अमाउंट किसी भी प्रोडक्ट का जो कि सेल करने के लिए रेडी है उसे हम क्या कहेंगे, मार्केट सप्लाई. इसका नाम हम देंगे मार्केट सप्लाई. हो गया मार्केट सप्लाई, तो हमारा सप्लाई और मार्केट सप्लाई का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो गया है. अब देखिए जो मार्केट सप्लाई और सप्लाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आफ्टर दैट टू कंसेप्ट आर देयर, फर्स्ट इज स्टॉक एंड सेकेंड इज सप्लाई. सप्लाई की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, वैसे हम पहले स्टॉक की डेफिनेशन भी पढ़ चुके थे स्टार्टिंग में ही. स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है द सप्लाई या द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट
क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल है सेल करने के लिए, किसी भी एक प्रोडक्ट की ऐसी क्वांटिटी जो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एंड गिवन प्राइसेस में जो क्वांटिटी रेडी टू सेल है, यानी सेल करने के लिए रेडी है, उसे हम कहेंगे स्टॉक। जैसे कि हम डेट वाइज कंसेप्ट है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कि 1 जनवरी 2020 में आपके पास कितना पैसा था या आपके पास प्रोडक्शन कितना था। तो यानी कि आपको यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यू हैव टू टेल ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कि आपके पास जो प्रोडक्शन है वो कितना है। नाउ वी आर ऑन द सप्लाई। अब हम सप्लाई पर आते हैं। सप्लाई की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो स्टॉक और सप्लाई दोनों में क्या डिफरेंस है? सप्लाई में यहाँ पर देखिए, स्टॉक में हम बात कर रहे थे पॉइंट ऑफ टाइम की, लेकिन सप्लाई क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 1 month, 1 year, ड्यूरिंग दिस ईयर, गिवन पीरियड ऑफ टाइम जिसमें ड्यूरिंग दिस मंथ। ओके, तो ये होता है सप्लाई। अब जो हमारा सप्लाई है ये कैसा कंसेप्ट है? एक फ्लो कंसेप्ट है। सप्लाई इज कॉल्ड अ फ्लो कंसेप्ट एंड स्टॉक क्या होता है? स्टॉक यानी कि स्टैटिक कंसेप्ट। स्टॉक जो है हमारा वो क्या होता है? स्टैटिक कंसेप्ट होता है। और सप्लाई जो होता है वो फ्लो कंसेप्ट होता है, यानी कि सप्लाई जो है वो तो चेंज होता रहेगा और जो स्टॉक है हमारा वो स्टैटिक पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टॉक एंड सप्लाई का कंसेप्ट। अब नाउ वी आर ऑन द स्केड्यूल ऑफ सप्लाई या सप्लाई स्केड्यूल पे हम आते हैं। सप्लाई स्केड्यूल, इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिमांड स्केड्यूल। इट इज सेम अबाउट द सप्लाई। इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। सप्लाई स्केड्यूल क्या है? अ टेबुलर स्टेटमेंट सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? ये टेबुलर स्टेटमेंट है जो कि विच टेल्स अस रिलेशनशिप्स बिटवीन प्राइस एंड इट्स सप्लाई, इट्स क्वांटिटी सप्लाई। सो व्हाट इज सप्लाई स्केड्यूल? सप्लाई स्केड्यूल इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट विच टेल्स अस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। यानी कि किस प्राइस पर जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड है वो कितना होगा, कितना इंक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो वो कितना इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो वो कितना डिक्रीज होगा। इस रिलेशनशिप को शो करता है क्या? हमारा सप्लाई स्केड्यूल। ये हमारा सप्लाई स्केड्यूल इन चीज़ों को शो करता है। और सप्लाई स्केड्यूल जो है वो हमारे यहाँ पर हम देखते हैं सप्लाई स्केड्यूल किस टाइप की रिलेशनशिप शो करता है। ये बताता है कि जो सप्लाई है और उसकी यानी क्वांटिटी सप्लाई और उसकी प्राइस में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज
पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स इफ द प्राइस ऑफ एनी गुड और एनी कमोडिटी इज इंक्रीजेज देन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी विल इंक्रीज ऑल्सो एंड इफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेज देन द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई विल डिक्रीज ऑल्सो कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी और अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है देखें, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी भी प्रोडक्ट की अब जो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सप्लाई और उसकी जो एक्सेप्ट्स हैं, तो इसमें हमें अपने आप को, क्योंकि इससे पहले हम अपने आप को समझ रहे थे एज ए कंज्यूमर, अब हम अपने आप को एज ए प्रोड्यूसर मानेंगे, हम प्रोड्यूसर की तरह बिहेव करेंगे। तो मान लीजिए वी आर अ प्रोड्यूसर और अगर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहले उसकी प्राइस बहुत अच्छी नहीं थी तो हम उस गुड की 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब पहले मान लीजिए हम उसकी 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और उसकी प्राइस थी ₹50, अब मान लीजिए उसकी प्राइस ₹500 हो गई है, कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो क्या अभी हम उसकी 100 क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करेंगे? नहीं, हम उसकी क्या कहेंगे, हम उसकी हज़ारों में 5000 क्वांटिटी कम से कम प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि हमें इसका बेनिफिट ऑब्टेन हो। तो ये होता है सप्लाई स्केड्यूल जो कि डिफरेंस जो रिलेशनशिप बताता है आपको दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये हो गया हमारा सप्लाई स्केड्यूल। अब ये सप्लाई स्केड्यूल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल सेकेंड इज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में रिलेशन बताया जाता है। इसमें ये शो करता है किसको, शोज अबाउट ओनली अ सिंगल प्रोड्यूसर एंड सिंगल प्रोड्यूसर्स प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, और यहाँ पर जो मार्केट सप्लाई है, मार्केट सप्लाई में हम क्या शो करते हैं, मार्केट सप्लाई में करते हैं हम ऑल द प्रोड्यूसर्स, जितने भी मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसको गिवन प्राइस पर शो करते हैं। तो देखते हैं हम टेबुलर स्टेटमेंट से, यहाँ पर हम प्राइस लेंगे क्योंकि स्केड्यूल जो है वो एक टेबुलर स्टेटमेंट है, जस्ट अभी हमने आपको बताया था। यहाँ पर हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द प्रोडक्ट, ये यूनिट्स में है, ये प्राइस में है, 2, 4, 6, 8, 10। अब ₹2 देखिए, ₹2 यानी एट द प्राइस 2 द प्रोड्यूसर्स आर सप्लाइंग द 10 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, बट व्हेन द प्राइस विल इंक्रीजेस एट 4 एज 4 प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑल्सो सेम। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे ही उनकी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है।
अब हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई, तो ये सबको पता चल ही गया होगा कि देखिए यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब हम यहाँ पर मार्केट सप्लाई स्केड्यूल की बात करें, इसका टेबल देखते हैं हम। मार्केट सप्लाई में हमने बात की थी कि सारे ही प्रोड्यूसर्स के बारे में, जितना भी उनका प्रोडक्शन हो रहा है उन सभी प्रोडक्शंस को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई ऑफ प्रोड्यूसर ए, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई ऑफ प्रोड्यूसर बी, और इस तरफ आ जाएगी हमारी टोटल क्वांटिटी। ये हमारी टोटल क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगी टोटल, तो इस तरफ देखिए ये टू सेम प्राइस ले लेते हैं। यहाँ था हमारे पास ए, जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई कर रहा था 10, 20, 30, 40 और 50, बी जो प्रोड्यूसर है वो कर रहा है 20, 30, 40, 50, 60। ओके, तो क्वांटिटी सप्लाई टोटल क्या होगी, यहाँ दोनों को सम कर देंगे, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई ए प्लस क्वांटिटी सप्लाई बी, तो 30 प्लस 50 70 90 एंड 10 110, यानी 110। तो ये हमारा हो गया मार्केट सप्लाई कर्व। सो दिस इज कॉल्ड द मार्केट सप्लाई कर्व एंड सॉरी स्केड्यूल। तो यहाँ हम कर चुके हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। आफ्टर दिस टॉपिक वी आर टू डू द सप्लाई कर्व्स, क्योंकि सप्लाई शेड्यूल के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो सप्लाई कर्व आता है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू अबाउट द सप्लाई कर्व्स एंड द सप्लाई फंक्शन एंड द लॉ ऑफ सप्लाई, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसको देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। So it is enough for today. Thank you. Have a nice day.